मैं आपको वचन देता हूं, इस बिहार में किसी भी गरीब को सरकार के भरोसे जीने नहीं दे। जरूरत है बिहार और इस देश में मुद्दों पर आधारित सड़कों पर उतर के लड़ने की। पटना में यह 300 घर जल के राख हो गया, इसकी जिंदगी और इसकी सूरत को बदलने की। मैं भी बच्चों की सौगंध खाता हूं कि एक भी गरीब को इस सरकार और नफरत वाली विपक्ष के भरोसे नहीं छोड़ने दूंगा, ना इन लुटेरों और दलाल के भरोसे छोड़ेंगे। दो दो नुंगी, दो दो हजार रुपया राशन के लिए इनको परसों बाबा साहब अम्बेडकर की जिस दिन जयंती है, पुण्यतिथि है, उस दिन यहीं से हम सुबह शुरू करें। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम शास्त्री नगर में मौजूद है, वही शास्त्री नगर है जहां 6 अप्रैल को 400 बस्तियां जलकर राख हो गई थी। और पप्पू यादव यहां पर आए थे और वहां उन्होंने आकर यहां लोगों से वादा किया था कि हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सामान जरूर बांटेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। शाम 6 बजे वो आए और यहाँ पे गरीबों से मुखाबित हुए, उन लोगों से बात किए, और बात करने के क्रम में अपना सामान सबको बांटते हुए, और पप्पू यादव ने बहुत कुछ बातें कही है, कहे कि हमने गरीब के जितने भी परिवार हैं उनके मैं सरकार के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले उस बात को सुनिए। क्या हो गया, यहाँ पर नफरत नहीं पैदा होगी? यहाँ पर झंडा लाठी और तलवार के पैसे नहीं लगेंगे इस गरीब को? मैंने उस दिन भी कहा था, कल या परसों फिर दो दो नुंगी, दो दो हजार रुपया राशन के लिए इनको परसों बाबा साहब अम्बेडकर की जिस दिन जयंती है, पुण्यतिथि है, उस दिन यहीं से हम सुबह शुरू करें। आज क्या रियल में पुण्यतिथि, आज पूरा खाने का बर्तन, थाली, करछुल और साड़ी, कितने सर? 150 पीस, 150 परिवार के, 142 है, 150 परिवार को मैं दे। दो लड़कियां मिली, उनका कहना है किताब जल गया है, कॉपी जल गया है, सर जो जल गया था उस दिन हम किताब कॉपी के लिए पैसे दिए थे। जिसकी शादी के जल गए थे उस दिन मैंने 20-20 हजार रुपया उनको दिया था। और जो इस तरीके से होंगे, मैं आपको वचन देता हूँ, इस बिहार में किसी भी गरीब को सरकार के भरोसे जीने नहीं दे। जिंदा जब तक है कोई कसम खाता है, बेटा बेटी का कसम खिलवाता है ना विरासत के लिए। मैं भी बच्चों की सौगंध खाता हूँ कि एक भी गरीब को इस सरकार और नफरत वाली विपक्ष के भरोसे नहीं छोड़ने दूंगा, ना इन लुटेरों और दलाल के भरोसे छोड़ेंगे। जो मैंने वादा किया था उस वादे के मुताबिक हम यहाँ खड़े हैं। सर बहुत अच्छी बातें हैं, विपक्ष एकजुट हो और विपक्ष को एक सकारात्मक काम भी करने की जरूरत है। जरूरत है बिहार और इस देश में मुद्दों पर आधारित सड़कों पर उतर के लड़ने की। सिर्फ जाति की गोलबंदी से वोट की सियासत ही होना और हिंदू मुसलमान की गोलबंदी से सियासत करना, यह गरीब और मिडिल क्लास के साथ घोर अपमान है। हमें जरूरत है कि पटना में यह 300 घर जल के राख हो गया, इसकी जिंदगी और इसकी सूरत को बदलने की। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे और नरेंद्र मोदी के उस बड़े बड़े गप से कि कहाँ चला गया आपका प्रधानमंत्री आवास, कहाँ चला गया प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, कहाँ चला गया मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, कहाँ चला गया मुख्यमंत्री आवास योजना। बदन पर कपड़े नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे के सब कुछ जल गए, लेकिन इन लोगों के को दर्द नहीं आता। लेकिन पप्पू जी, उसके बदले आपको क्या मिलता है? इसीलिए आप बेफिक्र हैं, आप चिंता ना करें। विपक्ष को एक होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और इस देश के हर स्टेट कौन पीएम बनेगा, कौन पार्टी, आज सवाल नहीं है। सवाल है संविधान और लोकतंत्र को बचना चाहिए, नफरत और भय का वातावरण खत्म होना चाहिए। जी, आप भी उनका हिस्सा होंगे? सर हम हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे वो तय करेंगे कि हम ही तय करें। हम आम आदमी के हिस्सा होंगे ये मुझे मत पता है। तो देखा आपने, सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि गरीब के जितने भी लोग हैं इन लोगों को हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। जो सत्ता के लिए बाल बच्चों का कसम खाते हैं, हम भी कसम खाते हैं बच्चों का, कि गरीब का एक भी परिवार सरकार के भरोसे नहीं रहेगा। जब तक हम हैं, जब तक गरीबों का मदद करते रहेंगे। कैसे नेता हैं पप्पू यादव, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।